टीकमगढ़ शहर के नजरबाग प्रांगण में स्वर्गीय श्री गंगा प्रसाद बख्शी जी की स्मृति में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने निज निवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि कार्यक्रम की शुरुआत 20 दिसंबर को अखंड कीर्तन के साथ होगी और 21 दिसंबर को अखंड साकीर्तन की समाप्ति के साथ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा और 22 दिसंबर को स्थानीय नगर बाग प्रांगण में दोपहर 2 बजे पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ ही शाम 7 बजे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें दूर दराज से आए सर्वश्रेष्ठ कवियों द्वारा कवि पाठ किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संत श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार मुख्य तौर पर कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। संघर्ष पुरुष बख्शी गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जी की स्मृति में यह 3 दिवसीय कार्यक्रम जो प्रतिवर्ष होता है, यह 21वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम के संबंध में आयोजन समिति की बैठक के साथ साथ आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। और 3 दिवस का जो कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में 20 तारीख से 21, 22 ऐसे 3 दिन का कार्यक्रम है। 20 तारीख को यहाँ 24 घंटे का अखंड कीर्तन प्रारंभ होगा, जैसा कि हर वर्ष करते हैं। 21 तारीख को अखंड कीर्तन के समापन के बाद फिर प्रसाद वितरण और स्थानीय कवियों का सम्मेलन, एक बृहद कवि सम्मेलन, जो हमारे यहाँ की विधाएँ हैं, जो हमारे आगे साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, उन सबको एक मंच हमारी आयोजन समिति उपलब्ध कराती है और वो कार्यक्रम यहाँ निज निवास पर ही होता है। 22 तारीख को श्रद्धांजलि कार्यक्रम, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्रों से सब जगह से जो हमारे परिवार के शुभचिंतक जन, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथीगण, साहित्यकार, उनके साथ के लोग, ऐसे बख्शी जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में रहेंगे। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस पूरे कार्यक्रम में, श्रद्धांजलि कार्यक्रम के समय और कवि सम्मेलन में, हमारे टीकमगढ़ जिले का गौरव पंडित रविशंकर शास्त्री जी, रविशंकर जी रावतपुरा सरकार, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। पूर्व संसदीय सचिव, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र प्रताप सिंह बीवी राजा जी और छतरपुर से विधायक उमेश शुक्ला, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष, विजावर से विधायक रहे मेरे साथी पुष्पेंद्रनाथ पाठक गुड्डन जी, ये जनप्रतिनिधिगण भी इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में और कवि सम्मेलन के समय उपस्थित रहेंगे। इसमें जो कवियों के बाहर से अखिल भारतीय 22 तारीख को जो कार्यक्रम है श्रद्धांजलि सभा के बाद, उसमें बाहर से आने वाले ओज के बड़े कवि हैं, जो एक टीवी सीरियल आता है नेताजी लपेटे में, उसमें गौरव चौहान इटावा से आते हैं, गौरव चौहान जी रहेंगे, साजन ग्वालियर जो हास्य के कवि हैं, साथ में वाह भाई वाह एक कोई सीरियल आता है, मुझे तो बहुत ही पता नहीं है, लेकिन उसमें काम करने वाले देवेंद्र नटखट हास्य के बड़े हस्ताक्षर हैं, वो भी इस कार्यक्रम में अपने काव्य पाठ का आयोजन करेंगे। हमारे पंकज पंडित, अनिल तेजस और अंतस श्रीवास्तव, ऐसे 6 कवि बाहर से हमारे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। 22 तारीख को नजरबाग प्रांगण में यह कार्यक्रम है और बड़ी संख्या में हमारी आयोजन समिति ने लोगों के वहाँ बैठने की, महिलाओं के भी बैठने की व्यवस्था की है, अधिकतम लोगों तक हमारी पत्रिका, आमंत्रण पत्रिका पहुँच सके, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीमें बना करके काम कर रही हैं, शहरी क्षेत्र में भी अलग अलग वार्ड सा वितरण व्यवस्था हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र में सेक्टरों के माध्यम से, ऐसे सब जगह की लोगों को इस कवि सम्मेलन और पूरे कार्यक्रम में आमंत्रण देकर के लाने का प्रयत्न हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।